केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के तहत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि देश में 45 विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज पांचवा संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले चार संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है और आज भी 71,000 के लगभग युवाओं को रोजगार दिए गए हैं जो सरकारी नौकरियां हैं। आज पांचवें संस्करण के बाद लगभग 3,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी आज हमने 561 युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम पूरा किया। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि युवाओं को सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे और युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका न केवल एक सरकारी नौकर के रूप में होगी, एक रोजगार के रूप में, बल्कि वो अपनी ओर से भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से भी अपना योगदान देंगे। मिशन कर्म योगी में आई गॉड के माध्यम से वो अपना समय समय पर प्रशिक्षण और अपग्रेड भी करते रहेंगे। यही नहीं, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में इकट्ठे मिलकर लगेंगे, प्रयास करेंगे और समय से पहले विकसित भारत का निर्माण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।